नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत स्वागत GNT माने गुड न्यूज़ टुडे पे। ये है मेरा शो ओम शांति ओम। हम शुरुआत करेंगे ओम के उच्चारण के साथ, हाथ जोड़ लें, आंख को बंद। तत्सत। आज का एक बहुत खास एपिसोड है क्योंकि हम आज के एपिसोड में देखेंगे कि सूर्य नमस्कार हम कैसे कर सकते हैं, क्या होते हैं सूर्य नमस्कार, इसके क्या लाभ होते हैं, और एक बहुत ही सिंपल तरीके का सूर्य नमस्कार जहां आपको कोई इंजरी नहीं हो सकती। सबसे बड़ा कंसर्न जो होता है लोगों का कि अगर हम सूर्य नमस्कार करें तो कहीं हमको बैक प्रॉब्लम ना हो जाए। रियलिटी ये है कि अगर आप सही तरीके से सूर्य नमस्कार कर लें तो आपको कोई बैक की प्रॉब्लम नहीं होगी। इनफैक्ट ऑपोजिट होगा कि अगर आपको बैक की कोई प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी, पर आपको करेक्ट टेक्निक से करना होता है। सूर्य नमस्कार के जो 12-12 स्टेप्स होते हैं उन एक एक की एक महत्व होती है और आज मैं उन एक एक की आपको महत्व समझाऊँगी। और तो सूर्य नमस्कार होता क्या है? जो हमारा सूर्य होता है उसके 12 फेजेस होते हैं, जैसे चंद्र के 14 फेजेस होते हैं, 14 दिन होते हैं एक लूनर साइकिल में। सोलर साइकिल में 12 स्टेप्स होते हैं और इन 12 स्टेप्स का हम लोग ने एक एक आसन बनाया है। ट्रेडिशनली हम सूर्य नमस्कार सूर्य मंत्र के साथ करते थे। तो योगीज थे, वो लोग सुबह उठ के जब सूर्य उगता था, जब सनराइज होता था, तो उसी समय पे योगीज सन सैल्यूटेशंस माने सूर्य नमस्कार करते थे। इसमें एक और फ़ायदा भी होता है, इसमें एक फ़ायदा होता है विटामिन डी का। आजकल एक बहुत बड़ा पैंडेमिक चल रहा है कोविड के साथ साथ, वो है विटामिन डी डिफिशेंसी। इनफैक्ट डॉक्टर्स ने ये भी बोला है कि जब कोविड के बहुत सीरियस सिम्टम्स होते हैं उसका एक कारण होता है विटामिन डी डिफिशेंसी। विटामिन डी डिफिशेंसी ये जब होती है जब हमको इनफ सनलाइट नहीं मिल रहा होता है। जब हम सनराइज के साथ सूर्य नमस्कार करते हैं तो इतना बढ़िया हमारे बॉडी में विटामिन डी जनरेट होता है। विटामिन डी एक इतना ज़रूरी विटामिन होता है, वो ऑलमोस्ट एक हार्मोन जैसे होता है उसका लाभ। आजकल विटामिन बी लोग केमिकली मेड विटामिन डी खा रहे हैं सैशेज में या उसकी पिल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है जब आपके पास सूर्य है। परंतु लोग सूर्य के पास जाते नहीं, उनको बोलता है कि हम काले हो जाएंगे, हमको कुछ सूर्य बुरा कर देगा, पर ऐसा नहीं है। अब अगर आप अच्छे से रोज़ सनराइज के साथ सन सैल्यूटेशंस करें तो बॉडी में बहुत ही सुंदर इफ़ेक्ट आता है, ये मेरा प्रॉमिस है। मैंने कोशिश की थी काफ़ी साल पहले, मुझको भी प्रॉब्लम होती थी कि सुबह कौन उठे सूर्य के साथ, पर अगर आपने एक बार ये हैबिट शुरू कर दी तो इसके इतने बेनिफिट्स आएंगे, आपको लगेगा कि मैं रोज़ सुबह उठूँ और सूर्य के साथ सूर्य नमस्कार करूँ। पर अगर आपसे नहीं हो रहा है ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सूर्य नमस्कार आप कोई भी दिन के समय में कर सकते हैं। कभी कभी मेरे साथ भी होता है कि सुबह मैं काफ़ी बिजी हो जाती हूँ, मेरा प्रोग्राम होता है, मेरा इवेंट होता है, मेरी क्लास होती है, मैं नहीं कर पाती सूर्य नमस्कार, तो मैं शाम को कर लेती हूँ उसको। कभी कभी तो मैं रात को भी कर लेती हूँ सूर्य नमस्कार, क्योंकि मुझको लगता है कि अगर आप सुबह नहीं कर पाएँ तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप मिस कर दें, आप दिन में कोई भी समय कर दें, यही अच्छा है मिस करने के बजाय। तो ज़रूर आप सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। शुरुआत में शायद से आपको मुश्किल लगेगा, पर धीरे 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 इसमें स्टैमिना बढ़ती है। लोग तो 108 राउंड भी करते हैं सन सैल्यूटेशंस का। ये इतना अच्छा है सूर्य नमस्कार क्योंकि आपके हर एक बॉडी पार्ट को, हर एक ऑर्गन को लाभ दिलाता है। ये एक 360 डिग्रीज का एक्सरसाइज है। अगर आपने सूर्य नमस्कार कर लिया तो आपको कोई वर्कआउट की ज़रूरत नहीं है। सुबह उठ के आप 6 राउंड सूर्य नमस्कार करें, 6 राइट फुट पे, 6 लेफ्ट फुट पे,
और वही करने से आपको इतना अच्छा फीलिंग आएगा आपके बॉडी में। अगर आपने सुबह सूर्य नमस्कार कर दिया, इसका ये बेनिफिट है कि आपको दिन भर सूर्य नमस्कार के लाभ आप महसूस कर पाएंगे। कभी कभी आपको लगता होगा 2-3 बजे बॉडी में ऐसी स्टिफनेस आ रही हो, परंतु अगर आपने बस 6 से लेकर 10 मिनट का सूर्य नमस्कार किया तो दिन भर बॉडी लचीली और ज़्यादा लचीली और ज़्यादा लचीली बनती जाती है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, आप कोशिश करिए कि देखिए लचीलापन बढ़ता जाता है बॉडी में, परंतु अगर नहीं किया तो बॉडी स्टिफनेस बढ़ती जाती है। तो आप ज़रूर कोशिश करें, इतना सिंपल, इसके लिए तो जगह भी नहीं चाहिए, इतनी जब बस जगह चाहिए जितना मैट है, तो इसके लिए कुछ चाहिए ही नहीं आपको, बस अपने आप को चाहिए रहता है। आपको सूर्य नमस्कार लिए किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आत्मविश्वास और थोड़ा सा मोटिवेशन। तो वो मोटिवेशन मैं आपको देने की कोशिश करूँगी और मैं आपको आज सूर्य नमस्कार बताऊँगी बहुत एक सिंपल तरीके से, और फिर हम लोग सूर्य नमस्कार करेंगे सूर्य मंत्र के साथ, है ना। तो अगर आप एडवांस्ड हैं तो आप सूर्य मंत्र के साथ कर सकते हैं, अगर आपको सीखना हो तो आप एक एक स्टेप उसका सीख लें। बस ये मन में रखें कि सन सैल्यूटेशंस एक फुल बॉडी वर्कआउट एंड फुल बॉडी वर्क इन दोनों हैं। तो सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार किसी को भी मिस नहीं करना चाहिए, इसमें समय कम और लाभ ज़्यादा है। तो चलिए मैट में खड़े हो जाएं। तो सन सैल्यूटेशंस के थोड़ा सा पहले आप हल्का सा इन प्लेस जॉगिंग कर लें, बस बॉडी में थोड़ी सी वार्मथ, जॉइंट्स को थोड़ा सा आप वार्म अप करें, और आप पैर आप ऊपर नीचे भी कर सकते हैं, थोड़ा सा बॉडी में एक गर्माहट पैदा हो। लेग्स को पीछे, थोड़ा सा शोल्डर्स और अपर बॉडी का वार्म अप। तो बस बॉडी को साइड टू साइड स्विंग करना है, और एक ये बहुत ही अच्छी एक एक्सरसाइज होती है, अपने हाथ को आप छाती तक लें और बिल्कुल हाथ को लूज छोड़ दें, जैसे नूडल्स होते हैं वैसे पूरा लूज। इससे आपकी स्पाइन की थोड़ी सी वार्म अप होती है, शोल्डर्स अपर बॉडीज़ की, और फिर यहाँ से एक और वार्म अप, एक पैर को आगे करें, हाथ को गोल गोल घुमाएं। बस हर एक 20 से लेकर 30 सेकंड तक करना है, ज़्यादा नहीं। ऐसा नहीं कि आप सन सैल्यूटेशंस के पहले ही थक जाएं। अच्छे से गोल गोल घुमाएं और फिर यहाँ आप मैट के सामने आ जाएं। मैं आपको हर एक स्टेप डिटेल में बताऊंगी, 12 स्टेप्स, 12 सन साइकिल के लिए। थोड़ा सा अपने पैरों को हल्का सा एक दूसरे के साथ पॉइंट करें, उससे क्या होता है कि आपके बटिक्स अंदर की ओर जाते हैं, तो आप अपने बटिक्स को टाइट रखें, इससे आपका लोअर बैक प्रोटेक्ट होता है। इनहेल और एक्सहेल करते हुए हाथ को जोड़ें, इनहेल करते हुए हाथ को ऊपर और थोड़ा सा छाती को पीछे ले जाएं। ये देखिए कि आपका सिर आपके हाथ के बीच में हो, अब ज़्यादा नेक को पीछे ना ले जाएं, बस इतना। एल्बो सीधे, पाम्स एक दूसरे के फेसिंग होएं और हल्के से आप पीछे जा सकते हैं, और एक्सहेल करते हुए आप नीचे तक आएं। नाउ यहाँ पे आप ऐसे करें कि अगर आपके हाथ नीचे तक नहीं आ रहे हैं तो आप अपने घुटने यहाँ पे मोड़ सकते हैं, अपने हाथ को नीचे तक छुएं। तो यहाँ क्या होता है कि लोअर बैक में स्ट्रेन नहीं पड़ता है। थोड़ा सा आप अपने घुटने यहाँ पे मोड़ सकते हैं कि हाथ नीचे तक पहुँचे, फिर इनहेल करते हुए आप सीधे पैर को पीछे, ठुड्डी छाती को आगे। आप ये देखें कि आपकी जो पाम्स हैं, हथेलियाँ हैं, पूरे अच्छे तरीके से फ्लैट हैं और एल्बोज बिल्कुल सीधे हैं, और आपका सीधा घुटना नीचे होना चाहिए मैट पे, ऊपर नहीं पर नीचे। यहाँ पे ब्रेथ को रिटेन करते हुए आप अपने उल्टे पैर को पीछे ले जाएं। ये हुआ प्लैंक पोजीशन फलंकासना। इसमें आपके हिप्स शोल्डर्स एक लाइन में हैं, ठुड्डी सामने। एक्सहेल करते हुए घुटने नीचे, ठुड्डी नीचे, छाती नीचे, और एल्बोस को आप पास करें और हिप्स को ऊपर ले जाएं। अगर आपकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, आप अपने फोरहेड को नीचे, परंतु लोग इसको थोड़ा सा ज़्यादा कंफर्टेबल मानते हैं, और यहाँ से इनहेल करते हुए ऊपर आ जाएं।
भुजंगासन, अपनी एड़ियों को साथ रखें यहाँ पे और इतना ही आए, ज़्यादा ऊपर आप मत आइए और एल्बोज बॉडी के क्लोज। एक्सहेल करते हुए आप ऊपर आए इन्वर्टेड वी और यहाँ पे आप अच्छे से पुश करें। थोड़ा सा आप एक स्टेप आगे भी आ सकते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। फिर से यहाँ सिर आपके हाथ के बीच में, लंबा गहरा सांस अंदर और बाहर, फिर सीधा पैर को इनहेल के साथ उठाएं, घुटने को छाती की ओर और उस पैर को सीधा अंदर आप रख दें हाथ के और चिन चेस्ट आगे। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा है कि लोगों का पैर ऊपर सीधा नहीं जाता है, आप लेफ्ट लेग को नीचे करिए, राइट लेग को उठा के आप सीधा अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ से लेफ्ट लेग के साथ आप ऊपर आए, यहाँ से लेफ्ट लेग के साथ आप आगे आए और इनहेल करते हुए आराम से ऊपर आए, थोड़ा सा पीछे स्ट्रेच करें, एक्सहेल हैंड्स डाउन, लेफ्ट साइड पे करेंगे आप, इनहेल एक्सहेल हैंड्स टुगेदर, इनहेल हाथ को ऊपर और हल्का सा पीछे जाना है, एक्सहेल करते हुए आप पूरे नीचे तक आ जाइए और यहाँ पे घुटने थोड़ा सा मोड़िए कि आपके हाथ नीचे तक पहुँचे। इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग पीछे, नी नीचे, चिन चेस्ट आगे, पाम्स अच्छे से दबाइए फ्लोर पे, सांस को पकड़ते हुए प्लैंक पोजिशन, पूरी बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पे, एक्सहेल करते हुए नीचे नीज, चिन चेस्ट, एल्बोस को अंदर रखें, ऐसे नहीं पर अंदर, इनहेल करते हुए भुजंगासन, एक्सहेल करते हुए ऊपर आ जाएं। थोड़ा सा एक स्टेप आप सामने ले सकते हैं, यहाँ पे सिर आपके हाथ के बीच में, अच्छे से आप पुश करिए पीछे, इनहेल लेफ्ट लेग ऊपर ले आएं, पूरा ऊपर तक लाएं, लेफ्ट लेग को आराम से आगे। अगर आपको ये टफ लग रहा है तो क्या करेंगे आप, नी को नीचे, हार्ट को सपोर्ट करते हुए सामने, चिन चेस्ट, फिर आप सीधा पैर सामने, इनहेल हाथ को ऊपर और एक्सहेल कम डाउन। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि सब जब हम छाती को खोल रहे हैं तो हम इनहेल कर रहे हैं, जब हम छाती को बंद कर रहे हैं तो हम एक्सहेल कर रहे हैं, और जब हम बॉडी को न्यूट्रल रख रहे हैं जैसे प्लैंक में, तो वहाँ तो अपने हम ब्रेथ को पकड़ते हैं, मीनिंग रिटेन करते हैं। अब चलिए हम लोग करेंगे 1 फुल राउंड सूर्य मंत्र के साथ, तो आप साथ साथ इसको देखें और सूर्य मंत्र को सुने। अब हम करेंगे एक पूरा राउंड सूर्य मंत्र के साथ, तो आप बस थोड़ा सा फॉलो अलॉन्ग करें, और अगर आप सूर्य नमस्कार कभी कर रहे हैं तो अपने प्रैक्टिस में ज़रूर सूर्य मंत्र का अभ्यास करें। ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्ये नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम हिरण्ये गर्भे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम हिरण्ये गर्भे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम हिरण्ये गर्भे नमः, ओम सूर्याय नमः,
ओम भास्कराय नमः, ओम रवये नमः, ओम मित्राय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मारीचे नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम हिरण्य गर्भे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। ब्रेथ को स्टडी करें। अब आराम से रिलैक्स करें, फिर हाथ सीधे टोस पे आ जाएं, नीचे बैठ जाएं और फिर आराम से शवासन। लंबा गहरा सांस, फिर यहीं से घुटने छाती की ओर, राइट साइड और ऊपर आराम से बैठ जाएं। तो कितने सूर्य नमस्कार रोज के लिए अच्छे होते हैं? 6 राउंड्स आपके रोजमर्रा के लिए अच्छे होते हैं। 6 राउंड्स का मतलब 6 ऑन द राइट लेग, 6 ऑन द लेफ्ट लेग, ये हुए 12। तो इन एक राउंड होता है 1 leg right 1 leg left। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सूर्य नमस्कार आपको सांस के साथ करना है। शुरुआत को आपको थोड़ा सा समय लगेगा कि ब्रेथ और बॉडी का कोऑर्डिनेशन हो जाए, परंतु समय के साथ आप इसको आराम से कर पाएंगे और ये एक डांस जैसा हो जाता है, बहुत सुंदर ग्रेसफुल मूवमेंट। आपने देखा होगा कि सन सैल्यूटेशंस में हमने कितने सारे मूवमेंट्स किए हैं। इनफैक्ट हमारे 12 आसन हो जाते हैं सन सैल्यूटेशन में। अगर आपने 6 राउंड रोज किए तो आपको इसको आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। और आप ये भी देखिए कि ज़्यादा फास्ट मत करिए सन सैल्यूटेशंस को, थोड़ा सा स्लो करिए कंट्रोल और सांस के साथ। यही ज़रूरी होता है सन सैल्यूटेशंस मीनिंग सूर्य नमस्कार में। ये मेरी उम्मीद है कि आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा और आपको कुछ सीखने को मिला। आप ये कोशिश करिए कि रोज़ आप सन सैल्यूटेशन करें, आपको सिर्फ 10 मिनट लगेंगे। अगर 6 आपको ज़्यादा लगेंगे तो आप 3 तो करके देखिए। जो भी टाइम आप उठें सुबह, आप सुबह उठ के 10 मिनट का सन सैल्यूटेशन अगर करेंगे तो आप उसके लाभ पूरे दिन भर पाएंगे। आप ये ध्यान में रखें कि सन सैल्यूटेशन सूर्य नमस्कार बहुत अलग अलग किस्म के होते हैं। जो आज मैंने आपको सिखाया है वो एक हट योगा के सूर्य नमस्कार माने जाते हैं, तो यही मैं प्रैक्टिस करती हूँ, यही मैं सिखाती हूँ। तो अगर आपने कोई दूसरे किस्म का सूर्य नमस्कार सीखा हो तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वो करें जो आपके शरीर को, आपके मन और तन को पसंद आ रहा है। मेरी ये उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम अच्छा लगा और आपको कुछ सीखने को मिला। अब हम मिलेंगे अगली बार एक नए एपिसोड के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।